कर्म के बंधन से छूटने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक है डायरेक्ट, यानी मन को भगवान में लगा दिया जाए, और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या है कि पहले हम कर्म योग करेंगे, कर्म योग करके फिर कर्म योग से क्या होगा, हमें सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर जो हमारा मन है उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा निष्काम कर्म योग करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि निष्काम कर्म योग के बाद क्या होगा, ज्ञान योग आएगा, ज्ञान योग से ध्यान योग आएगा, और ध्यान योग से फिर भक्ति योग आएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट से, डायरेक्ट क्या है, प्रत्यक्ष, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवत ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। आत्मा को सूक्ष्म शरीर से मुक्त कराना है तो सीधा कृष्ण की भक्ति करनी है।